ऑल ऑफ यू लुक सो हैप्पी। आप सभी बहुत खुश दिख रही हैं। हैव यू वी ऑल कैन रिमेम्बर टाइम्स व्हेन वी वर इन सम टफ सिचुएशन। और हम सभी याद कर सकते हैं जब हम किसी कठिन परिस्थिति में थे, सम होपलेस सिचुएशन, कुछ बहुत ही आशाहीन परिस्थिति, सैड और डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही दुखी और मुश्किल हमारी परिस्थिति। एंड वी थिंक टू आर सेल्फ, वी थिंक हैज एनी वन बीन लाइक इन सच सिचुएशन बिफोर। और हम सोचते थे कि क्या कोई हमसे पहले इस तरह की परिस्थिति में रहा है? इट लुक्स लाइक आई एम द वी आर द ओनली वंस गोइंग थ्रू सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन। और ऐसा लगता है कि शायद मैं ही हूं जो इस मुश्किल घड़ी से जा रही हूं। मैनी टाइम्स बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ माई एज, सम सिस्टर्स लाइक टू कम एंड शेयर विथ मी। और मेरी उम्र को देखते हुए बहुत सारी बहनें आकर मेरे साथ कुछ साझा करना चाहती हैं। दे कम लाइक टू कम एंड टेल मी अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। और वो आकर अपनी परेशानियों को मेरे साथ बांटना चाहती हैं। देयर मदर प्रॉब्लम, मदर इन लॉ प्रॉब्लम, डॉटर इन लॉ प्रॉब्लम। और उनकी माँ की परेशानी, उनकी मदर इन लॉ की सास की परेशानी, और सम फ्रेंड्स हु हैव लेफ्ट देम डाउन, और कुछ उनके दोस्त जो इन्होंने उनको नीचा दिखाया, सम टीचर हु इज मीन टू देम, और कुछ ऐसे टीचर्स जो उनके साथ बहुत ही मीन रहे हैं, और सम बॉस हु इज नॉट नाइस अनजस्ट टू देम। और कुछ ऐसे उनके बॉस जो उनके साथ उन्होंने सही नहीं किया, अन्याय किया उनके साथ। एंड समटाइम्स आई थिंक व्हाई डू आई हैव टू लिसन टू ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स। और कई बार मैं सोचती हूँ कि क्यों मुझे इन नकारात्मक बातों को सुनना है, समटाइम्स आई फील एज इफ आई एम लिसनिंग टू गॉसिप, और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो गपशप को सुन रही हूं। बट देन आई थिंक दे वॉन्ट समवन टू लिसन टू देयर सॉन्ग। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें किसी की जरूरत है जो इन बातों को सुन सके। सो वंस आई आस्क्ड द लॉर्ड, आई सेड लॉर्ड व्हाई डू हैव टू लिसन टू ऑल दिस। और एक बार मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु क्यों मुझे ये सब सुनना पड़ता है? देन द लॉर्ड गेव मी अ ब्यूटिफुल वर्स इन माई हार्ट। तब प्रभु ने मुझे एक सुंदर वचन मेरे हृदय में दिया। ही वॉज ऑलमोस्ट टेलिंग मी यू लिसन टू देम एंड प्रे विद देम, दैट्स ओके। और जैसे प्रभु कह रहा था कि तुम इन सबको सुनो और उनके साथ प्रार्थना करो, बट टेल देम टू कम टू मी। पर उनसे कहो कि मेरे पास वो आए। आई रेड दिस ब्यूटिफुल वर्स, वी ऑल नो दिस इन मैथ्यू। और मैंने एक बहुत ही सुंदर वचन को पढ़ा जिसे हम सब जानते हैं, मैथ्यू 11:28 and 29, और मत्ती 11:28, वेर जीसस सेज कम टू मी ऑल यू हु आर वियरी एंड हैवी लेडन, आई विल गिव यू रेस्ट। और हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो इन एवरी सिचुएशन द लॉर्ड जीसस विथ ओपन आर्म्स ही इनवाइट अस, ही सेज कम टू मी एंड टेल मी। और हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह अपनी बाहों को खोलकर हमसे कहता है कि आओ मेरे पास, तुम आओ। हम जीसस, ही विल हेल्प अस, ही विल कंफर्ट अस। और वो हमारी सहायता करेगा, वो हमें वो कंफर्ट देगा। इन फ्यू इयर्स बैक वी रिमेम्बर हाउ दिस कोविड हिट सो मेनी कंट्रीज। और हम जानते हैं कि कुछ साल पहले कैसे इस कोविड ने बहुत सारे देशों में प्रभाव डाला। सो मेनी इन आवर चर्चेस सम चिल्ड्रन लॉस्ट बोथ पेरेंट्स, फादर एंड मदर डाइड और ऑफ कोविड। हमारी कुछ कलीसियाओं में कुछ बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को कोविड में खो दिया। सम चिल्ड्रन कुड नॉट इवन अटेंड द फादर्स और मदर्स फ्यूनरल। और कुछ तो अपने माता पिता का जो फ्यूनरल था उसको भी अटेंड नहीं कर पाए। इवन इफ दे सॉ दे ओनली सॉ द फेस विद सम ट्यूब इन द थ्रोट और समथिंग। और अगर उन्होंने कुछ देखा तो केवल उनका सिर्फ चेहरा या फिर उनके गले में लगी हुई ट्यूब, सिर्फ इतना ही वो देख पाए। एंड सो मेनी चिल्ड्रन आर स्कार्ड, इवन नाउ दे कैन नॉट गेट ओवर दोज लास्ट मोमेंट। और बहुत सारे बच्चे उसके कारण बहुत ही दुखी थे और आज भी वो उस बातों से उभर नहीं पाते हैं। देन वी कैन से रिमेंबर दिस वर्ड वेयर जीसस सेज कम टू मी, व्हेनेवर यू थिंक ऑफ इट जस्ट कम टू मी।
जीसस और सेज, उस समय में हम इस बात को याद कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पास आओ, उस समय में तुम मेरे पास आओ जब भी तुम इन बातों को सोचो। नॉट जस्ट वंस और ट्वाइस इन अ डे, बट एनी टाइम एनी थॉट, सैड थॉट कम टू आवर माइंड. दिन में सिर्फ एक या दो बार नहीं, पर जब भी वो दुखी करने वाला विचार तुम्हारे मन में आए, मेरे पास तुम आओ। प्रेयर इज नॉट दैट वी मस्ट हैव सर्टेन टाइम, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट, नॉट लाइक दैट. प्रार्थना ऐसा नहीं है कि कोई समय है सिर्फ मॉर्निंग सुबह का या फिर शाम का, इस तरह नहीं है। थ्रू आउट द डे और नाइट आवर फादर्स ईयर्स आर ओपन टू हियर आवर क्राई. पूरा दिन सुबह हो या शाम हो, परमेश्वर हमारे पिता के कान हमेशा हमारी बुलाहट को वो सुनता है। When we wake up at night and some thought comes, we can say, Lord, please comfort me, please help me. जब हम रात को उठते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रभु प्लीज मेरी मदद करें, आप मुझे वो सांत्वना दीजिए। I have no father, but I have you, Lord. मेरा कोई पिता नहीं है, पर आप मेरे पिता हैं, आप मेरे साथ हैं, You are my loving father. आप मेरे प्रेमी पिता हैं, And he will never send us back empty. और वो कभी भी हमें खाली नहीं लौटाएगा। He will always comfort us, wipe our tears, and send us encouragement. और वो हमारे आंसुओं को पहुंचेगा, वो हमें सांत्वना देगा। In the psalm, there's one verse which says, "Taste and see that the Lord is good." और भजन संहिता में एक वचन है, वो कहता है कि चक्कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। Every time we taste and see the goodness of the Lord. और हर बार हम परमेश्वर को चखते हैं और उसकी भलाई को हम चख पाते हैं। Another verse I want to leave with to remind us is in 1 Corinthians 10:13. और एक और वचन जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो है 1 कुरिन्थियों 10:13। Just one sentence. सिर्फ एक God वाक्य। God is able to give us strength that we need, and nothing is going to be too difficult for us. परमेश्वर हमें वो सामर्थ देगा और कोई भी बात हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। He gives more strength when the trials increase. और वो हमें और अधिक सामर्थ देगा जब हमारी परीक्षाएं बढ़ेंगी। He'll never give us a trial which is too difficult for us to bear. और वो कोई भी ऐसी परीक्षा में हमें नहीं डालेगा जो हमारे सहने से बाहर हो। So those two verses we can hold, one on right hand and one on left hand. और इन दो वचनों को हम पकड़े रख सकते हैं, एक दाईं तरफ और एक बाएं तरफ। Matthew 11:28 and 29, और मत्ती 11:28 और 29, and for 1 Corinthians 10:13, और 1 कुरिन्थियों 10:13। and whatever our desperate our state is, Jesus is ready to come and help us. और चाहे हम कितने भी हताश क्यों ना हो, यीशु मसीह हमेशा तैयार है हमारी सहायता करने के लिए। I was meditating on a story, something which happened when Jesus was on earth. और मैं कुछ ऐसी बात पर मनन कर रही थी जो हुई घटना जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे। If we open our Bible to Luke chapter 7, verses 30 onwards. हम लूका 7 वचन खोलेंगे, 7:30। Yeah, onwards we read of a woman who came to Jesus. और हम उस स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जो यीशु मसीह के पास आई। We can learn a lot from this incident. और हम इस घटना से बहुत कुछ सीख सकते हैं। We don't know her name. It just says a sinful woman, a woman of the city. और इस महिला का नाम नहीं लिखा है, केवल ये लिखा है एक पापी स्त्री, शहर से वो स्त्री। Can you imagine throughout the even in the Bible and ever since she is known as a sinful woman, a woman of the city. और आप सोच सकते हैं कि वो किस तरीके से जानी जाती थी, एक पापी स्त्री, वो शहर से वो स्त्री। Can you imagine if she remembered like that by so many people? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों द्वारा वो इस तरीके से जानी जाती थी? How do we like to be remembered by others? और हम दूसरों के द्वारा किस तरीके से जाना जाते हैं? A very good looking sister. और बहुत ही सुंदर दिखने वाली बहन। A rich sister. और बहुत ही अमीर बहन। A generous sister. और बहुत ही उदार बहन।
एंड मे बी गॉडली सिस्टर. और हो सकता है ईश्वरीय बहन। इफ समबडी सेज यू आर अ सिनर एट वन टाइम, हाउ वी फील वेरी बैड टू बी रिमाइंडेड ऑफ आवर सिन. और अगर हमसे कोई कहे कि एक समय पर तो तुम बहुत पापी थे, तो हम लोग को कितना बुरा लगेगा इस तरीके से कोई हमको याद करे। यस वी प्रे, यस लॉर्ड आई एम अ सिनर सेव्ड बाय ग्रेस, आई एम ओनली अ सिनर सेव्ड बाय ग्रेस. हाँ, हम जरूर इस तरीके से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं आपके अनुग्रह से बचाया गया हूं। बट इट्स वेरी गुड फॉर अस टू थिंक आवर ट्रू कंडीशन, हाउ जीसस, हाउ गॉड सीज़स. पर ये बहुत जरूरी है, अपनी हमारी जो वास्तविक स्थिति है उसको जानना बहुत जरूरी है। इन रोमन्स 3:23 सेज ऑल हैव सिन्ड एंड कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड. और रोमियो 3:23 में लिखा है कि हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो रहित है। इन गॉड्स बैलेंस इट्स नॉट लाइक वी हैव डन फ्यू सिंस और मोर सिंस. और परमेश्वर इस तरीके से नहीं देखता कि कुछ थोड़े पाप किए हैं कि ज्यादा पाप किए हैं। इन गॉड्स बैलेंस ऑल ऑफ अस आर सिनर सेम लेवल. और परमेश्वर के तराजू में हम सभी पापी हैं। एंड वी कैन कम टू द लॉर्ड लाइक दैट एंड ही विल एक्सेप्ट अस. और हम प्रभु के सामने इस तरीके से आ सकते हैं और प्रभु हमको स्वीकार करेगा। बट यू नो देयर्स अ वंडरफुल लेसन वी कैन लर्न अबाउट इन रेवलेशन 3:12 देयर्स अ और ब्यूटीफुल. प्रकाशित वाक्य 3:12 से हम एक बहुत ही अद्भुत बात को पढ़ सकते हैं। देयर इट सेज दैट दोज हु ओवरकम द लॉर्ड विल गिव देम अ न्यू नेम. और उसमें लिखा है कि जो जय पाएंगे परमेश्वर उन्हें एक नया नाम देगा। And in a white, on a white stone, a new name will be given to those who overcome. और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा जाएगा जो उस पर जय पाएंगे। It's like when the Lord is going to call us and give us all a certificate with a name written on it. और ये इस तरीके से होगा कि प्रभु हमें बुलाएगा और एक सर्टिफिकेट पर एक नया नाम हमारा लिखा होगा And we all go one by one to receive that certificate. और हम एक एक करके उस सर्टिफिकेट को हम रिसीव करेंगे, प्राप्त करेंगे। And the Lord gives those who overcome a special white stone with a lovely name written on it. और जो लोग जय पाएंगे परमेश्वर उनको एक बहुत ही अलग एक श्वेत पत्र पर लिखा हुआ प्रभु उनको एक नया नाम देगा। Nobody knows that name except the Lord, and when we get it, we'll know that beautiful name. और कोई भी उस नाम को नहीं जानता होगा, केवल परमेश्वर जानता होगा, और हम जानेंगे जब प्रभु हमको वो देगा। What a wonderful day it will be. और ये कितना ही अद्भुत दिन होगा। He might give to somebody, I give you the name of being a merciful person, merciful one. और हो सकता है प्रभु किसी से कहेगा कि तुम्हें मैं ये नाम देता हूं वो जो बहुत ही दयावान है, Or something more beautiful than that. और शायद उससे भी बहुत कुछ सुंदर, Disciple of Jesus. यीशु मसीह का शिष्य। You know, when we say we are Christians, what a beautiful name that is. और जब कहते हैं कि हम मसीह हैं, वो कितना ही सुंदर नाम है। People think, oh, Christian, yeah, low caste. Now people think like that. और लोग कहते हैं कि ओह ये मसीह, ये तो लो कास्ट, नीची जाति के। But a day will come when Jesus honors those who are his true disciples. पर एक दिन ऐसा आएगा जो प्रभु उनको आदर देगा जो यीशु मसीह के सच्चे शिष्य हैं। And he'll be proud to us. You are my sister, my dear child. You are my sister. I welcome you. और वो हम पर बहुत ही गर्व करेगा कि तुम मेरी प्रिय बेटी हो, मेरी प्रिय बहन हो, और मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। What a glorious day. और वो कितना ही अद्भुत दिन होगा। Another thing I want to remind us is we sometimes as mothers we call our children by some name. और एक और चीज जो मैं अपने हम सबको याद दिलाना चाहती हूँ वो है कि बहुत बार हम अपने बच्चों को एक नाम से बुलाते हैं। When a baby is born, a mother who has had a baby, she calls that baby the most beautiful name, my precious one, my lovely one, like that. और जब एक स्त्री को, माँ को, जब वो बच्चा होता है तो उसका जन्म होने के बाद वो उसको बोलती है कि मेरा मेरा बहुमूल्य बेटा, मेरा अद्भुत सुंदर बेटा, इस तरीके बच्चा, इस तरीके से हम बोलते हैं।
यू आर माई इनहेरिटेंस, यू मेड मी रिच, ऑल माई नेम्स लाइक दैट. और हम कहते हैं कि तुम मेरी वो संपत्ति, तुम मेरी वो विरासत हो, इस तरीके के हम नाम देते हैं। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स व्हेन द चाइल्ड ट्राइज टू डज सम नॉटी थिंग्स, व्हाट डू वी मदर्स से? बट कुछ सालों बाद जब वो वही बच्चा कुछ शरारत करता है तो माँ क्या बोलती है? वी शुड नेवर कॉल देम ओ यू स्टूपिड डोंकी, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुम तो वो गधे और सुअर हो, यू इडियट. मूर्ख हो तुम। देन वी शुड रिमेंबर दिस, हाउ द लॉर्ड इज गोइंग टू गिव अस अ ब्यूटिफुल नेम. और तब हमें याद करना है कि कैसे प्रभु हमें एक सुंदर नाम देने वाला है। सम चिल्ड्रन कम होम फ्रॉम स्कूल वेर द टीचर्स हैव इंसल्टेड देम एंड कॉल देम नेम्स लाइक पिग, डोंकी, मंकी, लाइक दैट. और कुछ बच्चे स्कूल से जब अपने घर आते हैं जहाँ पर उनके स्कूल में उनकी टीचर ने उनको कुछ इस तरीके से नाम कहा हो कि गधे है, सुअर है और तुम तो बंदर हो, इस तरीके से, इट्स आवर प्रिविलेज एज मदर्स टू कम्फर्ट सच चिल्ड्रन. और ये हमारा माताओं के रूप में सौभाग्य है कि हम उन बच्चों को वो सांत्वना दें। वॉट एवर अदर्स मे कॉल यू माई चाइल्ड, यू आर स्टिल माई प्रेशियस चाइल्ड. और भले ही लोग तुम्हें कुछ भी कहें पर तुम मेरे वो बहुमूल्य मेरे बच्चे हो, यू आर स्टिल मोर देन गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स टू मी. और तुम मेरे लिए सारे सोने चांदी कीमती पत्थरों से बढ़कर तुम मेरे लिए हो। नाउ दिस वुमन who wanted to come to see Jesus, let's look at her background a little bit. और ये जो स्त्री जो यीशु मसीह को देखने आई, आइए हम उसकी पृष्ठभूमि को देखें। You know what people and what kind of people such women are, women of the city. और ये जो जो शहर की जो औरत, इस तरीके से महिलाएं जो होती थी वो किस तरह की होती थी, किस तरीके से कहा जाता था उनके बारे में? I know the background of many women like that. और मैं ऐसी बहुत सारी स्त्रियों को जानती हूँ जो इस पृष्ठभूमि से हैं। Those of us who know about Bihar and West Bengal and places, poor places like that. और जो गरीब कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल, इस तरीके के शहर जो हैं, We know how little girls are kidnapped from their homes. और हम जानते हैं कि किस तरीके से छोटी बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है And taken to some other place and sold. और उन्हें दूसरी जगह लिया जा लेके जाते हैं और वहां पर उनको बेच दिया जाता है। And when they grow up, they have to live this life of prostitution. और जब वो बड़ी होती है तब उन्हें उस वेश्यावृत्ति का जीवन जीना पड़ता है। They cannot escape because they are kept under, like in a prison. और वो बच नहीं पाती है, वहां से निकल नहीं पाती है क्योंकि मानो उनको बंदी गृह में डाल के रखा जाता है। And we know of some girls who are molested when they were children by some cousin or uncle or someone. और हम जानते हैं कि कुछ बच्चियां जब छोटी होती हैं तो उनके उनके भाई कजन भाई के द्वारा या उनके अंकल के द्वारा उनका शारीरिक शोषण किया जाता है And repeatedly, and they think that there's no hope for them. और बार बार उनके साथ ऐसा किया जाता है और उनको लगता है कि शायद अब कोई आशा नहीं है। And they'll think, who will marry us? We are so wretched, we are so dirty. और उनको लगता है कि हमसे कौन शादी करेगा, हम तो बहुत अभागे हैं, हम तो बहुत ही गंदे हैं। Many girls have that history in the back of their mind. और बहुत सारी बहनों के दिमाग में ऐसी इतिहास उनका होता है And they are forced to lead a sinful life. और उनको उनको फोर्स किया जाता है कि इस तरह का पापी जीवन वो जिए। Then those of us who are from India, we know there are many places where prostitution is even legal. और हम जानते हैं जो जो हम लोग भारत देश से, कि ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर ये वेश्यावृत्ति जो है वो कानूनी भी है। These long distance buses and lorries and trucks, they stop in certain places at night. और ये जो लंबी दूरी के जो बस होते हैं, जो ट्रक होते हैं, वो कुछ खास जगहों पर रुकते हैं And they stop for to eat some food and take some rest. और वो खाना खाने के लिए और थोड़ा विश्राम करने के लिए वो लोग वहां रुकते हैं। And in some places they offer this facility where they can have a girl in their bed. और कुछ जगहों पर वहां पर वो लड़कियों को वो देते हैं ताकि उनके बिस्तर पे उन लड़कियों को वो को दिया जाता है। And many fathers and husbands send their daughters or wife
टू गेट सम मनी बिकॉज दे आर इन डेट। और कुछ जो पिता है या कुछ पति है वो अपनी पत्नी को या अपनी बेटी को कुछ को पैसा पाने के लिए भेजते हैं क्योंकि वो कर्जे में है, अदरवाइज द फादर हस्बैंड में कमिट सुइसाइड। नहीं तो वो जो पिता है या पति है उसको आत्महत्या करनी पड़ेगी बिकॉज द डेट इज सो मच। क्योंकि वो कर्जा है वो बहुत ज्यादा है। सो वी कैनॉट ब्लेम सम वीमेन हु आर फोर्स्ड इन टू सच ए लाइफ। इसलिए जिन स्त्रियों को इस तरह का जीवन में जबरदस्ती से डाला जाता है हम उन पर दोष नहीं लगा सकते। नो आई नो मेनी क्रिश्चियन वर्कर्स हु आर वर्किंग अमंग सच वीमेन। और मैं बहुत सारे ऐसे मसीह काम करने वाले लोगों को जानता हूँ जो ऐसी स्त्रियों के बीच में काम कर रहे हैं एंड हेल्प द चिल्ड्रन एंड गिव स्कूलिंग एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ सच वुमेन। और इस तरह की स्त्रियों के बच्चों को शिक्षा पाने के लिए वो उनकी मदद करते हैं। सो इट वॉज अ वुमन हु वॉज लाइक दैट हु केम रनिंग टू सी जीसस। और ये उस तरह की स्त्री थी जो दौड़ते हुए यीशु मसीह के पास आई। वी रीड दैट दिस वुमन हर्ड दैट जीसस वॉज कमिंग टू अ सर्टन होम टू हैव डिनर। और उस स्त्री ने सुना कि यीशु मसीह किसी घर में आ रहे हैं भोजन करने के लिए रात का, एंड शी हर्ड इट इज द होम ऑफ अ मैन कॉल्ड साइमन। और उसने सुना कि ये जो घर है वो शामोन का है। एंड शी सेड दिस शी मस्ट हैव थॉट दिस इज माय ओनली चांस टू कम टू जीसस। और उसने सोचा होगा कि यीशु मसीह के पास आने का ये मेरा आखिरी मौका है। आई एम फेड अप विद माय लाइफ। द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प मी इज जीसस। और मैं अपने जीवन से थक चुकी हूँ और जो एक ही व्यक्ति है जो मेरी मदद कर सकता है वो यीशु मसीह है। एंड शी मस्ट हैव थॉट दिस इज अ मीटिंग वेयर ओनली मेन आर हैविंग डिनर देयर। और उसने सोचा होगा कि ये जो सभा है उसमें तो केवल पुरुष लोग ही आ रहे हैं, What will happen if I go there? They'll push me out. और क्या होगा अगर मैं जाऊंगी, वो तो मुझे धक्का मार के निकाल देंगे। And these Pharisees, they'll be ready to point their finger at me. और ये जो फरीसी है वो तो तैयार होंगे मुझ पर उंगली उठाने के लिए। You sinful woman, what are you doing here? You have no place over here, they'll tell me. ओ पापी स्त्री तू यहां पर क्या कर रही है, तेरे लिए यहां तो कोई भी स्थान नहीं है, वो इस तरीके से मुझसे कहेंगे। And there was nobody to go with us. Sometimes when we go somewhere, we ask someone to come with us. और उसके साथ जाने के लिए तो कोई भी नहीं था, हम कहीं जाते हैं तो हम किसी से कहते हैं कि आओ मेरे साथ आओ। And she said, she must have thought, I have no one who, no friend who can come with me. और उसने सोचा होगा कि मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरे साथ आ सके। और And suppose I, when I go to Jesus, he may even refuse to see me. हो सकता है कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊं और वो शायद वो भी मेरा इनकार कर दे। She had so many questions in her mind. और बहुत सारी उसके दिमाग में ये विचार परेशानियां चल रही थी। And she may have thought, is this the right time? Maybe I should take another opportunity. और वो सोच रही थी कि क्या यही सही समय है या फिर मुझे किसी और मौके का इंतजार करना चाहिए। But she was so desperate. बट वो बहुत ही हताश थी, बहुत ही आतुर थी। If she must have thought, if I don't take this chance, I may never get another chance. उसने सोचा होगा कि अगर इस मौके का मैं नहीं गई तो शायद फिर मुझे कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। And that situation, similar situations we may all be in sometime or other. और इसी तरह की परिस्थितियों में हम भी कभी ना कभी जरूर होते हैं। Some of us sitting here, some children may not yet have given their lives to Jesus. हम में से जो यहाँ पर बैठे हैं हो सकता है उनके बच्चों ने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया होगा। Don't postpone it for another opportunity. और इसको एक और मौके के लिए आप आगे ना बढ़ाएं। Or the Lord may speak to us and say, you have to set something right in your life. और हो सकता है प्रभु हमसे कहें कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ ठीक करना है। That's the Holy Spirit speaking to us. और ये पवित्र आत्मा है जो हमसे बात कर रही है। Go and apologize to someone. जाओ और उससे माफी मांगो Return this thing which you have wrongfully taken. और उस चीज को वापस कर दो जो तुमने गलती से तुमने गलत तरीके से ले ली है। Humble yourself and apologize. अपने आप को नम्र करो और माफी मांगो। So many things the Lord may tell us, we know at different times. और बहुत बार प्रभु बहुत अलग अलग मौकों पर हमसे बातें करता है, हमसे बोलता है। And the devil is so quick
whisper in my ears, no, don't do it now, later, some other time. और जो शैतान है वो बहुत ही आतुर है, आकर हमारे कान में कहेगा कि नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में करेंगे, And bring some other thought into our mind. और कुछ और विचार हमारे मन में लेकर आएगा। But we it's so wonderful when we can come to the Lord as soon as we get the opportunity to come to Him. और ये कितना ही अद्भुत होगा कि हमें जब भी मौका मिले हम प्रभु के पास आएं। Then you know this woman, she said she must have thought, how can I go to Jesus? I must take something to show my repentance. और इस स्त्री ने सोचा होगा कि मैं यीशु मसीह के पास कैसे जाऊं अपने पश्चाताप को दिखाने के लिए, मुझे जरूर कुछ लेकर जाना चाहिए। John the Baptist said to people who came to him for baptism, he said, bring forth fruit for repentance. और जो यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसने कहा कि मन फिराव के योग्य फल लेकर आओ। Always when we repent, there should be something to show that we are repented. और जब कभी हम पश्चाताप करते हैं उस पश्चाताप को दिखाने के लिए कुछ फल, कुछ कुछ फल, कुछ बदलाव होता है। Humble ourselves and say apologize. हम अपने आप को नम्र कर कर माफी मांगते हैं। Sometimes it may be more costly. We have to return large amount of money. हो सकता है कई बार ये बहुत ही कीमती होता है और हमें एक बड़ा पैसा शायद वापस करना पड़ता है। This woman must have thought, if I take something, Jesus may ask, where did you get this money? Did you get this money by sinful means? Then I don't want it. और उसने सोचा होगा अगर मैं कुछ लेकर जाऊंगी और प्रभु मुझसे पूछेगा कि ये पैसा तुम कहाँ से लाई हो और ये तो पापी पैसा है, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ। But that's the only money she had. बट वही पैसा उसके पास था। So when the Lord convicts us, पर जब प्रभु हमको बोध दिलाता है, don't let's not give in to any excuse saying this or that, but say, Lord, I'll obey you. I'll do my best to obey you. और जब प्रभु हमें याद दिलाए तो हमें कोई बहाना नहीं बनाना है, पर कहना है कि हाँ प्रभु मैं आपकी आज्ञा मानूंगी, हाँ मैं ऐसा करूंगी। But she came in faith. She knew that this is the Messiah who can help her. और वो एक विश्वास के साथ आई और वो जानती थी कि यही मसीहा है जो उसकी सहायता कर सकता है। Or she brought the most costly thing she could think of. और वो बहुत ही कीमती चीज को लेकर आई जिसके बारे में वो सोच सकती थी। Jesus deserves the best offering that we can give. और यीशु मसीह सबसे उत्तम भेंट को वो के योग्य है जो हमारे पास है। You know my husband's favorite verse. He says, "I will not offer to the Lord that which costs me nothing." और मेरे जो पति हैं उनका सबसे अधिक प्रिय जो वचन है वो है कि मैं प्रभु को ऐसा कुछ भी नहीं चढ़ाऊंगा जिसकी मुझे कोई कीमत ना चुकानी पड़े। What David said, and we also can remember, think of that. I will not offer something cheap to the Lord. और जैसे दाऊद ने कहा वैसे ही हम भी सोच सकते हैं कि हम प्रभु को ऐसा कुछ नहीं देंगे जिसकी हमें कोई कीमत ना चुकानी पड़े। He brought this expensive ointment. And she came to Jesus. और ये जो स्त्री थी वो बहुत ही कीमती एक बहुमूल्य परफ्यूम इत्र लेकर आई और यीशु मसीह को के चरणों में डाला। And she knelt at Jesus' feet. और उसने यीशु मसीह के चरणों में घुटने टेके। And started weeping and weeping. और वह रोने लगी और रोने लगी। So much of weeping that it wet Jesus' feet and she had to wipe it with her hair. और वो इतना अधिक रो रही थी कि यीशु मसीह के जो जो पैर थे वो पूरे भीग गए और उसे अपने बालों से उनको पोंछना पड़ा। You know, sometimes when we come to the Lord, there are no words to express our feelings to the Lord. और कई बार जब हम प्रभु के पास आते तब हमारे पास शब्द नहीं होते अपनी भावनाओं को प्रभु को बताने के लिए। All that we can do is come to his feet and weep at his feet. और हम जो कर सकते वो है कि उसके चरणों में आए और रोए। There's no language to express what is in our heart. और कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो हमारी भावनाओं को बता सके। But Jesus understands every unspoken word.
पर वो हर एक अनकही शब्दों को भी समझता है। Prayer is not, Lord, give me this, give me that, I want this, do this. और प्रार्थना ये नहीं कि प्रभु आप मुझे ये दीजिए, प्रभु मुझे वो दीजिए, मेरे लिए ये कीजिए या वो कीजिए। Prayer is just, Lord, I want to sit at your feet and spend time with you. और प्रार्थना ये है कि प्रभु मैं आपके चरणों में बैठना चाहती हूँ और आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ। Night or day, let me be found at your feet. चाहे दिन हो या रात हो प्रभु, मैं आपके चरणों में ही पाई जाऊं Let me get to know you, Lord. और होने दीजिए मैं आपको जान सकूं। How kind and forgiving you are. कितने ही आप बहुत ही आप कितने ही दयावंत हैं प्रभु और क्षमा करने वाले हैं, How merciful you are. कितने दया से भरे हुए आप हैं प्रभु। And help me to learn that from me, और from you. प्रभु आपसे वो सीखने के लिए मेरी मदद कीजिए। That's what in Matthew 11 he says, learn humility from me. और यही मत्ती 11 में वो कहता है कि मुझसे दीनता को सीखो। So that's what this woman just wept at Jesus' feet and Jesus understood. और वही इस स्त्री ने किया कि वो यीशु मसीह के चरणों में रोई और यीशु मसीह ने उसको समझा। You know, sometimes people talk about women, oh, they cry for little things. और कई बार जो पुरुष लोग हैं वो इस तरीके से बात करते कि ये तो स्त्रियां जो है छोटी छोटी बातों में रोती हैं Such a small thing you are crying about. और छोटी सी बात के लिए तुम रो रही हो। But that's the way God made us. और इसी तरीके से प्रभु ने हमको बनाया है। There's a right way to cry. Let me tell you a few things. और रोने का भी एक सही तरीका है, आइए मैं वो उन बातों को आपके साथ साझा करूं। The right way is when we are repenting, it's okay to cry. और जो सही तरीका वो है रोने का जब हम सच में मन को फिराते हैं। Because we are really sorry for hurting someone and hurting the Lord. क्योंकि हम बहुत ही सच में दुखी महसूस करते हैं किसी का दिल दुखाने के लिए या फिर प्रभु को शोकित करने की वजह से, And we cry and repent in tears. और हम आंसू के साथ हम पश्चाताप करते हैं। When we think of God's love, our eyes are filled with tears. और जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचते हैं तो हमारी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। Not just when we are born again, but many times we think, Lord, you love a sinner like me who has let you down so many times. और ना सिर्फ जब हमने मन फिराया पहली बार, बट बहुत बार ये सोचते हुए कि प्रभु कैसे आप मैंने जिसने आपको बहुत बार शोकित किया, आपने फिर भी मुझ पापी से प्रेम किया। And when we think of how unworthy we are, और जब हम सोचते हैं कि हम कितने अयोग्य हैं प्रभु। there's a beautiful hymn in English. I'll tell you just the two lines which help me. और एक बहुत ही सुंदर गीत है इंग्लिश में जो उसकी दो पंक्तियों को मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। The first line of that hymn is Beneath the Cross of Jesus. और उस गीत में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह के क्रूस के नीचे। But the two lines which I always think of is, और दो लाइन जिनके बारे में मैं हमेशा सोचती हूँ, Lord, when I think of my unworthiness प्रभु जब मैं मेरी अयोग्यता के बारे में सोचती हूँ and your immense, immense love, और आपका जो बहुत ही अद्भुत प्यार है उसके बारे में, those are two wonders I can never understand. और ये दो अद्भुत ऐसी बातें जिनको मैं समझ नहीं पाती हूँ। With my smitten heart, with my broken heart, Lord, I confess this, these two wonders. और मेरे टूटे हुए हृदय के साथ प्रभु इन दो अद्भुत बातों को का मैं अंगीकार करती हूं। Your matchless love for me और आपका जो अद्भुत प्रेम जो मेरे लिए है and my own unworthiness. और मेरी खुद की जो अयोग्यता है प्रभु, When we think of things like that, it's good to shed tears. और जब हम इन बातों के बारे में सोचते हैं तब रोना अच्छा है। In Matthew 5, it says, "The blessed are those who mourn; they shall be comforted." और मत्ती 5 में लिखा है कि धन्य वे जो शोक करते हैं वो सांत्वना पाएंगे। It's okay to cry for our children when they go astray, और ये अच्छा है अपने बच्चों के लिए रोना जब वो भटक जाते हैं, and when they aren't converted and not following the Lord. और जब उन्होंने मन नहीं फिराया है, वो प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं। Then
गुड थिंग फॉर मदर्स टू प्रे इन टीयर्स फॉर आर चिल्ड्रन तो ये अच्छी बात है कि हम माताएं आंसू के साथ उनके लिए प्रार्थना करें। इन साम 126 वर्सेस 5 और 6 लेटर यू कैन सी इट सेज दोस हु सो इन टीयर्स विल रीप इन जॉय और भजन संहिता 126:5 और 6 में लिखा है कि जो आंसू के साथ बोते हैं वो आनंद के साथ जय जयकार करेंगे। गो आउट टीयरफुली सोइंग द सीड विल कम जॉयफुली ब्रिंगिंग रिच हार्वेस्ट और जो आंसू के साथ बोते हैं वो फिर जय जयकार के साथ आनंद के साथ तो काटेंगे। यू नो वेन दोज ऑफ अस हू आर मदर्स एंड वी हैव द मदर हु हैज द बेबी इन द वूम और हमें से जो माताएं हैं और जिनके गर्भ में जो बच्चे रहे, एंड we think we do think that's a heavy burden to have the baby in the womb और हम सोचते हैं कि घर में उस बच्चे का होना बहुत ही भारी चीज है। we never think it's a burden because हम कभी नहीं सोचते कि ये एक बोझ है मेरे लिए, that baby is going to bring so much joy to us क्योंकि वो जो बच्चा है वो हमारे लिए बहुत ही आनंद को लेके आने वाला है। but when the child grows up and goes into bad ways what a burden it is for the mother पर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और गलत रास्तों पर जाता है तो एक माँ के लिए वो कितना बड़ा बोझ है, That burden is too heavy for the mother to bear. और वो जो बोझ है वो माँ के लिए सहना सच में बहुत मुश्किल है। Only the Lord Jesus can bear that burden. और केवल यीशु मसीह उस बोझ को उठा सकता है। When the child falls down and gets hurt and little blood, we see a little blood. और जब बच्चा गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है और थोड़ा सा खून निकलता है And we wipe his eye, her eyes and we say, "Don't cry, it's okay, it's okay." और हम उसके आंसुओं को पोंछते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। But when the child goes into the wrong path, पर जब वो बच्चा गलत रास्ते पर जाता है, if the mother's heart is bleeding inside, उस माँ का हृदय जो अंदर से खून से जैसे मानो बह रहा है, such are the times when we can cry and pray to the Lord. और ऐसे समय में हम सच में रो सकते हैं और प्रभु को पुकार सकते हैं। If we as mothers don't pray for our children, then who else will pray for them? इफ हम माताएं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Godly sorrow leads to repentance. और जो ईश्वरीय शोक है वो जो है पश्चाताप को लेकर आता है। And sometimes we weep for joy. और कई बार हम आनंद से भी रोते हैं। We think of Jesus when he saw Jerusalem, he started weeping as he was going towards Jerusalem. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने जब यरूशलेम की तरफ जा रहा था और उसने यरूशलेम को देखा तो वो रोया। Because he knew that in a few years this whole city will be destroyed because they are rejecting Jesus. और क्योंकि वो जानता था कि ये जो पूरा जो यरूशलेम है वो खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया। So that there are times when we need to weep and before the Lord. और सच में कई बार ऐसा समय है जब हमें रोना है प्रभु में। But you know there are some wrong times, so wrong ways of weeping. और कई बार जो है कुछ गलत तरीके या समय होते हैं रोने के भी। Sometimes we weep in anger, we cry in anger. और कई बार हम गुस्से में रोते हैं। We don't get our way, we cry and make a scene. और कई बार जब हमारे तरीके से चीज नहीं होती है तो हम रोते हैं और सीन खड़ा कर देते हैं। When we are hurt or when our pride is hurt, we cry. जब हमारा जो गर्व है, घमंड है, जब वो उसको चोट लगती है तो हम रोते हैं। When we are offended, we cry. जब हमें बुरा लगता है तो हम रोते हैं। All those kind of crying we should put away. और इस तरह का जो रोना है हमें उसे दूर करना है। And those are all the crying related to self. और इस तरह का जो रोना है वो स्वयं से संबंधित है। So when this woman came to Jesus' feet and wept and anointed his feet, she got what she wanted. और जब ये स्त्री यीशु मसीह के चरणों में आई और वो रोई और उसके पैरों का जब उसने अभिषेक किया तो वो जो चाहती थी वो उसको मिला। Jesus told her, "Go in peace. यीशु मसीह ने कहा शांति से जाओ, Your faith has saved you." तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचाया है। Yes, she had faith to come to Jesus. हाँ, उसके पास विश्वास था यीशु मसीह के पास आने का। We also, when we come to Jesus, we must come in faith.
हम भी जब यीशु मसीह के पास आए, एक विश्वास के साथ हम उसके पास आए। एंड हर आईज वर ओपन टू सी जीसस एज द ट्रू मसीहा. और उसकी आंखें खुल गई थी यीशु मसीह को एक सच्चे मसीहा के रूप में देखने के लिए। नाउ वेरी ब्रीफली आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट सम ऑफ द अदर पीपल हु आर सिटिंग इन दैट रूम. और बहुत ही संक्षिप्त में मैं उन बाकी लोगों के बारे में आपसे बांटूंगी जो उस कमरे में वहां पर मौजूद थे। और They started grumbling among themselves. वो जो है इस बात के विषय में कुड़कुड़ाने लगे। They started judging Jesus. Didn't he know this is a sinful woman? और वो जो है यीशु मसीह का न्याय करने लगे कि क्या वो नहीं जानता कि ये जो है पापी स्त्री है। And some murmuring was going on in that crowd. और उस जो जो भीड़ थी उसमें कुछ कुड़कुड़ाहट और शिकायत चलने लगी। Oh, Jesus, he must have known that Pharisee because he called him by his name. और यीशु मसीह जरूर उस फरीसी को जानता होगा क्योंकि यीशु मसीह ने उसको नाम से बुलाया। He said, Simon, I want to talk to you. और यीशु मसीह ने कहा कि शामोन, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। There were two people who owed a money lender और money. दो व्यक्ति थे जिन्होंने जो उधार देने वाला है उससे उन्होंने पैसा उधार लिया। One owed a large amount and one owed a small amount. और एक जो व्यक्ति था उसका थोड़ा सा कर्जा था और दूसरा जो था उसकी बड़ी रकम कर्जे की थी। But the money lender was so good, he forgave them both. पर जो उधार देने वाला था वो इतना अच्छा था कि उसने दोनों का ही कर्जा माफ कर दिया। You'll read all that in Luke chapter 7. और ये सब हम लूका 7 में पढ़ते हैं। And Jesus asked, "Who do you think will love more that money lender?" और तुम क्या सोचते हो कि कौन सा व्यक्ति है जो उस उधार देने वाले से ज्यादा प्यार करेगा? He said, "The one who was forgiven much." उसने कहा कि वह जिसका ज्यादा माफ किया गया है। Jesus said, "In the same way, this woman, such a sinful woman, she was forgiven so much. That's why she loves more." और उसने कहा कि ये पापी स्त्री जिसका सबसे ज्यादा अधिक माफ किया गया वो ज्यादा प्यार करती है। Dear sisters, so good for us to remember often how much we have been forgiven. और मेरी प्रिय बहनों, ये बहुत जरूरी है कि हम बहुत बार इस बात को याद करें कि कितना अधिक हमें हमारे पाप माफ किए गए हैं। Jesus has forgiven, covered all our sins. प्रभु यु ने हमारे सारे पापों को माफ किया, उन्हें ढाप दिया है। Suppose he were to show the whole world what all we have hidden. Secret sins in our lives. और सोच के देखिए, अगर उसको वो पूरे संसार को ये दिखाने लगे वो पाप जो हमने किए हैं, How terrible it will be. और कितना ही वो भयानक होगा। Even the things which were in our thoughts, if he were to tell us. और वो बातें भी जो हमने गुप्त में हमारे विचारों में हमने सोचे जो हम दूसरों को नहीं बताते, Never forget how much we have been forgiven. हम कभी नहीं इस बात को भूलेंगे कि कितना अधिक हमें माफ किया गया है। And then we can love the Lord more. और उसके बाद हम प्रभु से अधिक प्रेम कर पाएंगे। People ask, how can I show my love the Lord more? और कई बार लोग पूछते हैं कि कैसे मैं अपने अधिक प्रेम को प्रभु को दिखा सकती हूँ। This is one small reason. और ये एक कारण है इस बात का, Lord, how much you have forgiven me. प्रभु आपने कितना अधिक मुझे माफ किया है। I'm just a worm and dust at your feet. मैं तो जस्ट एक कीड़ा हूं, मैं तो सिर्फ एक धूल हूं प्रभु। And you pour, make this dust and call me your daughter. और आपने मुझ धूल को अपनी अपनी बेटी कहा है। On earth, I'm like living in a slum, but you've got a palace waiting for me in heaven. और इस पृथ्वी पर मैं मानो एक झुग्गी झोपड़ी में रह रही हूं, पर आपने स्वर्ग में मेरे लिए एक महल को रखा हुआ है। Sometimes it's good for us to meditate on these things. और कई बार ये अच्छा है कि हम इन बातों पर ध्यान लगाएं, मनन करें। While we are doing our work, let our thoughts go back to how much God has forgiven us and blessed us. और जब हम अपने काम को करते हैं तो आइए हम सोचें कि कितना अधिक प्रभु ने हमें माफ किया, कितना अधिक प्रभु ने हमें आशीषित किया है। And Jesus told Simon, Take out the log. In other words, take out your blind area. There's a big log in your eye.
और यीशु मसीह ने शामोन से कहा कि जो तुम्हारी आँख में जो बड़ा लट्ठा है उसको निकालने की ज़रूरत है। लुक एट योर ट्रू कंडीशन साइमन। साइमन तुम सामोन तुम अपनी जो वास्तविक तुम्हारी स्थिति है उसको देखो। नॉर्मली व्हेन पीपल आर इनवाइटेड टू अ ज्यूइश होम, और उस समय में जब जो ज्यूइश घरों में जब उनको बुलाया जाता था यहूदी घरों में, दे आर गिवन वाटर टू वॉश देयर फीट एंड समथिंग टू फ्रेशन अप, सम परफ्यूम एंड थिंग्स लाइक। और वे उनके पैरों को धोने के लिए पानी देते थे फ्रेश होने के लिए, जैसे इत्र या ये सब दिया करते थे। You did nothing like that. You just gave a casual invitation. और तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुमने बहुत ही सामान्य आमंत्रण मुझे दिया। But this woman has not stopped washing my feet with her tears and anointing my feet. पर इस स्त्री ने मेरे पैरों को धोना और अपने आंसुओं से और इत्र से मेरे पैरों का अभिषेक करना नहीं रोका है। So what he told the Pharisees was something which we can take. I can just briefly tell a few things. और जो यीशु मसीह ने शमौन पतरस से कहा उसमें से कुछ बातों को संक्षिप्त में जो हम हमारे लिए ले सकते हैं उनको मैं बांटना चाहती हूँ। You know, we can sometimes be women Pharisees. और कई बार हम जो है वो महिला स्त्री फरीसी हो सकती हैं, Pharisees may not be just men. Even women can be Pharisees. और जो फरीसी हैं केवल पुरुष ही नहीं पर स्त्रियां भी हो सकती हैं। Look at the way she's dressed. देखो उसने तो किस तरह की पोशाक पहनी है, She's coming to the meeting like this. वो तो इस तरीके से कपड़े पहनकर मीटिंग में आ रहे हैं। Is she a woman of the city? और वो तो देखो शहर की वो स्त्री है, Why she come here? वो यहां पर क्यों आई है। So many judgmental thoughts we women can sometimes have. और कई बार इस दूसरों का न्याय करने के विचार हम स्त्रियों के मनों में हो सकते हैं। And Jesus said they have become blind. Pharisees became blind spiritually. और यीशु मसीह ने कहा कि जो फरीसी है वो आत्मिक रीति से अंधे हो गए हैं। A few things how they became blind. I just our time is up, but just a few things we can avoid being a Pharisee. और कुछ बातें मैं बांटना चाहती हूँ किस तरीके से वो आत्मिक अंधे हो गए वो मैं बांटना चाहूंगी। To come across a book which my husband has written, 50 marks of being a Pharisee. That's a very good book. Good book to read. और एक मेरे पति ने एक वो किताब लिखा है फरीसी होने के 50 चिन्ह, वो बहुत ही अच्छी किताब है। When we judge others, जब हम दूसरों का न्याय करते हैं, when we despise others, जब हम दूसरों को तुच्छ जानते हैं, when we love the honor of men जब or हम people, लोगों से सम्मान पाने को प्रेम करते हैं, and love money. जब हम पैसे से प्रेम करते हैं, I heard an illustration of one of our Tamil Nadu brothers saying. और मैंने एक उदाहरण को सुना जो तमिलनाडु के भाई ने बांटा था। He said, if you close one eye अगर तुम एक आंख को इस तरीके से बंद कर लो and you put a नया पैसा, you know, small coin in front of the other eye, और एक छोटा सा जो पैसा है उसको दूसरी आंख के ऊपर अगर ऐसे रखो you can't see anything. तो आप कुछ भी नहीं देख सकती हैं You cannot even see the sun. और आप तो सूरज को भी नहीं देख पाएंगे। That's how dangerous money can be. और इतना खतरनाक हो सकते हैं ये पैसा। Then another mark of the Pharisees had is they bind heavy burdens on others, make others do hard things, but they don't do those hard things. और एक और चिन्ह फरीसी होने का कि वो दूसरों पर एक बोझ डालेंगे ऐसा करने का जिन बातों को वो खुद भी नहीं करते हैं। And they concentrated on the outward life, not the inward life. और वो ज्यादा ध्यान उनका बाहरी जीवन पर होता है, भीतरी जीवन पर नहीं। They made much of traditions and outward things, rituals, but not on the true following the Lord. और वो बहुत ज्यादा परंपराएं और ये सारी चीजें बना देते हैं पर सच में यीशु मसीह के पीछे चलने पर ध्यान नहीं देते। So, those are the things we have to ask the Lord. Lord, don't let me come in the category of Pharisee. और प्रभु से मांगना है कि प्रभु होने दीजिए कि मैं इस फरीसी की श्रेणी में ना आ जाऊं। This poor sinful woman is more blessed than the Pharisee. और ये जो पापी स्त्री है वो इन फरीसियों से कहीं ज्यादा आशीषित है। I'd rather be in her place
एंड फाइंड यू द मसाया देन बी इन द प्लेस ऑफ द फैरिसी। इन फरीसियों की जगह होने से अच्छा है कि प्रभु मैं उस पापी स्त्री की जगह पर पाई जाऊं और आपके द्वारा आशीष पाऊं। So the Lord has given us a lot to meditate on. और प्रभु ने हमें बहुत दिया है जिन बातों पर हम मनन कर सकते हैं। Summarize a few things. Let's come to Jesus. और मैं कुछ बातों को इन अब बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले कि आइए हम यीशु मसीह के पास आएं। Don't think of going to any human being first, but first go to Jesus and tell him. किसी के पास भी ना जाए, सबसे पहले किसी मनुष्य के पास नहीं, पर सबसे पहले यीशु मसीह के पास आए। Secondly, when there's true repentance, there's mourning for our sin. और जब सच्चा पश्चाताप होता है पर तो सच में हम शोक करते हैं उसके लिए। And when our repentance, we should show fruit for our repentance. और जब हम पश्चाताप करते हैं तब हम उस पश्चाताप के युग फल भी लेकर आएंगे। We must have faith that only Jesus can solve my problem. और हमें विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरी समस्या को हल कर सकता है। And ask the Lord to take off any Pharisaical attitude we have. और प्रभु से मांगे कि कोई भी फरीसी बात जो है मेरे जीवन में उसको दूर करे। And meditate on our worthless life and His matchless love. और हमारे जो जीवन की अयोग्यता है उस पर और उसका जो अद्भुत प्रेम है उस पर हम मनन करें। And don't judge people like this poor sinful woman. We don't know their background. और दूसरे लोगों का न्याय ना करें कि क्योंकि हम नहीं जानते हैं उनकी पृष्ठभूमि को। May God bless you all, dear sisters. Shall we close in prayer? Our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, we come to you. प्रभु हम आपके पास आते हैं। You are our loving and heavenly Father. आप हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता हैं। As women, we are so weak, Lord. प्रभु स्त्रियों के रूप में हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं। But sometimes we think we are strong in a wrong way. कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने तरीके से बहुत ज्यादा मजबूत हैं। Instead of being humble, we tend to become proud. और नम्र होने के बजाय प्रभु हम घमंडी बन जाते हैं। We boast in other things, but हम not in you. बहुत सारी बातों में घमंड करते हैं पर आप पर घमंड नहीं करते। And we come to your feet, Lord Jesus. पर हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। Please wash us and cleanse us in your precious blood. प्रभु आपके पवित्र लहू से हमें धोकर साफ करें। We bring all our problems and needs into your hands, Lord Jesus. प्रभु हमारी सारी परेशानियों को जरूरतों को आपके चरणों में लेकर आते हैं। You know how much we have to work for our families and our children. आप जानते हैं प्रभु हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमें कितना अधिक काम करना है। Our jobs and our studies. हमारी जॉब के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए। We thank you that you can understand everything about us. धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे बारे में सब कुछ समझते हैं। And we pray that you'll help us to cast all our burden on you. प्रभु आप हमारी मदद करेंगे कि हम हमारे सारे बोझ को आपके ऊपर डाल दें। And live a life which is pleasing to you, Lord. और ऐसा जीवन जिए जो आपको प्रसन्न करता है। Lord, very soon you are going to come, Lord Jesus. आप बहुत जल्दी प्रभु आने वाले हैं। Help us to be ready to meet with you. प्रभु मदद करें कि हम आपसे मिलने के लिए तैयार रहें। Take every moment of our life, Lord. हमारे जीवन के हर एक क्षण को आप ले लें। Take every part of our body, Lord. हमारे शरीर के हर एक हिस्से को आप लें प्रभु। Bring it as offering to you, Lord Jesus. हम सब कुछ आपको समर्पित करते हैं। And help us to live lives that are pleasing to you. और ऐसा जीवन जीने में हमारी मदद करें जो आपको प्रसन्न करता है। We ask in Jesus' precious name. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में मांगते हैं। आमीन।